गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के क्लास में मैंने आप सबसे डिस्कस किया था साइंस के चैप्टर 4 में ट्रांसफ़र ऑफ हीट के टॉपिक के विषय में। जो टॉपिक आपको अभी दिख रहा है, मैंने बोर्ड पर लिखा है, जनरली ट्रांसफ़र ऑफ हीट के प्रोसेस को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं आसानी से पढ़ने के लिए। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। हीट का ट्रांसफ़र करना कहाँ से? हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, मतलब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चला जाता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कंडक्शन। तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं कि जैसे कि कंडक्शन कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एंड ऑफ अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। दोनों को कॉन्टेक्ट में होना अनिवार्य है, विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। अगर आप किसी रॉड वगैरह के लंबे पार्ट्स को ले लिए और उसको आप हीट कर रहे हैं वन एंड पर, तो आप दूसरे एंड अगर आप अपने हैंड से पकड़े रहेंगे तो आप को देखेंगे ना कि आपका दूसरा एंड भी हीट हो गया। तो हीट हो गया जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो, मतलब प्रॉब्लम कहने के सेंस कि आपको हाथ जलने लगेगा। तो इसलिए ये कंडक्शन प्रोसेस होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब ही होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। तो उसका मतलब ये है कंडक्शन में कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ ए बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और दोनों बॉडीज, दोनों हॉटर एंड से मीन्स जिधर गर्म किया जाता है उधर से ठंडा की तरफ प्रवाह हो, उष्मा का चालन हो, उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाए। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस मोस्टली इन सॉलिड। जो ट्रांसफ़र ऑफ होता है हीट का कंडक्शन प्रोसेस में मोस्टली इन सॉलिड में होता है, बट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेज। लिक्विड और गैसेज में भी थोड़ा बहुत केस में हो जाता है, जो कि हम लोग हायर क्लास में अब डिस्कस करेंगे कि लिक्विड में कैसे होता है, गैसेज में कैसे होता है। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के प्रोसेस में मैक्सिमम सॉलिड के केस में होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। सॉलिड का ना कैसेंस कि आप किसी आयरन के पार्टिकल्स में ये टुकड़े को ले लीजिएगा, पार्ट को ले लीजिएगा, तो सॉलिड ही है ना, वो तो लिक्विड है नहीं, वो तो गैस है नहीं। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। कंडक्शन जनरली अकॉर्ड्स वेन द मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स एनर्जी एंड वाइब्रेट। जब उसको गर्म किया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स में हिंड्रेंस पैदा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट पैदा होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनमें जब ये इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो एक जगह रुके रहेंगे। और सिंपल सा लॉजिक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे किसी को कोई डोली मारता है, पीटता है, तो 2 दिन सहेगा, 3 दिन सहेगा, 4th दिन कहेगा ना कि अरे भागो यार, रोज़ मारता है यहाँ से। तो इसलिए आप उस चीज़ को ये इग्नोर करेंगे और देखेंगे वहाँ से रिमूव होना। तो उसी तरह जो कंडक्शन प्रोसेस होता है उसमें होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है हॉटर एंड की तरफ, वो एनर्जी लेता है, लगातार उसको एनर्जी मिलती रहती है, तो इसकी वजह से वाइब्रेशन होने लगता है, कोलिजन होने लगता है, हिंड्रेंस होने लगता है, उसमें उठापटक होने लगती है, तो भाग जाता है। एंड द इंक्रीज इन एनर्जी रिजल्ट इन द राइज इन टेम्परेचर। और जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर फिर बढ़ेगा तो वही फ्लो होगा, एक जैसे दूसरी जगह माध्यम उसको मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो भागेगा ना, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा, एकदम ये फिक्स है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। एंड द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल एट द हॉटर एंड इंड्यूस वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को जन्म देते हैं, इंड्यूस करते हैं इन द नाइबरिंग मॉलिक्यूल। जब मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के घर में गाना बज रहा है तो आपको भी सुनाई देगा। अगर आपको इरिटेशन होगा तो आप या तो बंद करवा दीजिएगा, या प्रॉब्लम होगा तो जाकर मना कर दीजिएगा, जो कुछ भी हो, या अगर अच्छा लगेगा तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो उसी तरह जब वाइब्रेशन होने लगता है तो बगल्स के, मतलब जो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें भी ये वाइब्रेशन धीरे धीरे पहुँचने लगता है, उन्हें भी इंटरेस्ट मिलने लगती है, उनको भी हीट मिलने लगती है, तो उनमें भी
चेंजमेंट होने लगता है, एंड दिस वे द वाइब्रेटिंग आर पास्ड अलोंग द ऑब्जेक्ट एंड दस द हीट इज ट्रांसफर टू द अदर एंड। और इस तरीके से हीट जब हिंड्रेंस उसको मिला, वो उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, ये चेन बन गया और ये चेन हीट को ट्रांसफर करते करते पूरे रॉड को हॉट हीट कर देता है, वार्म कर देता है। तो इस तरह से हम लोग कंडक्शन प्रोसेस में जनरली टू टाइप्स के इसके ये पढ़ते हैं, मीडियम्स पढ़ लेते हैं। कि मीडियम कहने का सेंस कि जैसे गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स का मतलब ये होता है कि सबस्टांस जनरली विच अलाउ टू पास हीट, सबस्टांस जनरली विच अलाउ टू पास हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम, फ्लो करने के लिए, बहाव करने के लिए उससे बह कर जाए, तो उसी को हम लोग गुड कंडक्टर्स बोल देते हैं। और द बैड कंडक्टर हो गया जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब बैड कंडक्टर है, इससे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप इसको जलाइएगा तो एट इंस्टेंट जल जाएगा, ऐसा नहीं है कि जलाइएगा तो बहुत देर तक जलेगा और हीट उससे पास हो जाएगा, लेकिन उसको आप जलाइएगा तो वो एट इंस्टेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के विषय में जान गए। उसके बाद अगला टॉपिक जैसे आपको दिख रहा होगा कन्वेक्शन। कल मैंने ये भी बताया था कि आप किसी पॉट वगैरह में पानी गर्म कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा जहाँ हीट मिलेगी वहाँ के मॉलिक्यूल ज़्यादा गर्म होंगे, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वहाँ से भागेंगे। तो जब वहाँ से वो जगह छोड़कर भागेंगे तो ऊपर का पानी फिर नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर बनकर वाष्प बनेगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिला है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो वहाँ कम है तो दोनों में ट्रांसफर होने लगेगा एनर्जी का। तो जब वो फिर जाएंगे गैप होगा खाली जगह तो वहाँ चले जाएंगे, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा तब जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए। और जब पानी गर्म हो जाएगा देन आफ्टर ये प्रोसेस रुक जाएगा, और प्रोसेस रुकने के बाद अगर भी हीट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, पानी वेपोराइज होने लगेगा, पानी वेपोराइज होकर वाष्प बनने लगेगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो इस तरह से ये पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इसी का मतलब है, कन्वेक्शन इसी को कहते हैं। तो कन्वेक्शन का जैसे डेफिनेशन आप सुनना चाहेंगे तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए सबस्टांस टू द कोल्डर पार्ट ऑफ ए सबस्टांस बाई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, बाई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि आप एक बर्तन में वेन यू मिक्स हॉट वाटर इन कोल्ड वाटर द मिक्सड वाटर बिकम्स वार्म। अगर गर्म पानी में आप ठंडा पानी मिलाएंगे तो गर्म पानी होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स में हिंड्रेंस है तो ट्रांसफर करेगा एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होगी तो भी मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हॉट वाटर मूव टू द कोल्ड वाटर डैट हिट्स इट अप। आप ध्यान से सुनेंगे सब बातों को तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एंड द कन्वेक्शन रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इज इन सॉलिड्स आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जो सॉलिड में होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है, उसमें गैपिंग नहीं होती है, तो उसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसलिए जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है वो सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। सॉलिड को अगर रख कर गर्म करिएगा, सॉलिड को अगर रख कर मतलब उबालिएगा, हीट दीजिएगा, ऐसा तो नहीं ना कि वाष्प बन जाएगा, ऐसा तो नहीं ना कि उसकी वजह से किसी तरह का कोई हो जाएगा, वो कंडक्शन हो गया, हॉटर एंड से कोल्डर एंड वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसीलिए नहीं होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मजबूत रहता है और इसी की वजह से नहीं हो पाता है। तो जैसा कि आपने ये सब देख लिया, उसके बाद रेडिएशन है, मींस देयर इज नो मीडियम। मैंने लिखा है बोर्ड पर, आपको दिख रहा होगा कि नो मीडियम, विदाउट मीडियम, जैसे सूर्य से रोशनी हमारे पास आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, बल्कि कोई मीडियम पाइप वगैरह लगा नहीं रहता है, तो उसी को हम लोग बोल देंगे रेडिएशन। रेडिएशन वही प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी डायरेक्टली विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डेट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो इस तरह से आपने ये समझ गया, और आप इसके लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में आप समझ सकते हैं, कुछ बड़ी टॉपिक नहीं है, आप उसको अध्ययन करिएगा, कन्फ्यूजन होगा फिर अगले वीडियोज में, अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। एंड जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लैंड ब्रिज में लिखा है फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, मतलब लैंड की तरफ से सी की तरफ चले जाना, सी ब्रिज में हो जाएगा फ्रॉम सी टू लैंड। सिंपल सा लॉजिक है, याद रखने का कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। उसी को लैंड ब्रिज कहते हैं कि जो ठंडी हवाएं सीज की तरफ से बहकर जमीन की तरफ चली गई और जो गर्म हवाएं लैंड की तरफ से उठकर समुद्र की तरफ चली गई, इस तरह से चेन कंटिन्यू मेंटेन हो गया। तो कन्वेक्शन में इसको हम लोग जैसे वो पानी को गर्म कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस में याद रख लेना इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, एंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।